हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोग इतिहास टॉपिक को देख रहे हैं। तो इसमें लास्ट लेक्चर में बात की थी हमने इतिहास में सिख के बारे में, मराठा साम्राज्य देखा था, फिर उसके बाद सिख साम्राज्य जो भी था उसे। इसमें बात करने वाले हैं प्राचीन एवं मध्यकाल भारत के प्रमुख युद्ध, प्राचीन और मध्यकाल में जो आपके युद्ध हुए हैं उनको देखेंगे। याद रखिए, सामान्य ज्ञान से संबंधित आपके जितने भी चैप्टर होंगे वो सभी सामान्य ज्ञान के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है हाई डिस्पीच का युद्ध। हाई डिस्पीच का युद्ध यह हुआ 5 326 ईसा पूर्व में। कब हुआ? 326 ईसा पूर्व में। इस युद्ध में सिकंदर ने राजा पुरु को पराजित किया था। पूछ लेता है कई बार, हाई डिस्पीच का युद्ध किस किस के बीच हुआ? सिकंदर के और राजा पुरु के बीच। कब? 326 ईसा पूर्व में। फिर आपका कलिंग युद्ध, ये हुआ 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। इस युद्ध में अशोक ने कलिंग के राजा को पराजित किया, परंतु युद्ध की विभीषिका से दुखी होकर उसने बौद्ध धर्म भी स्वीकारा था। किसने? अशोक ने। ठीक है, फिर अपना रावण का युद्ध। रावण का युद्ध हुआ 712 ईस्वी में। रावण का युद्ध कब हुआ? 712 ईस्वी में। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के दाहिर को पराजित किया था। यानी कि किस किस के बीच हुआ? मोहम्मद बिन कासिम के बीच और दाहिर के बीच। फिर हुआ पेशावर का युद्ध, यह हुआ 1001 ईस्वी में। इस युद्ध में महमूद गजनवी ने राजा जयपाल को हराया था। पेशावर का युद्ध कब हुआ? 1001 ईस्वी में। किस किस के बीच? महमूद गजनवी और जयपाल के बीच। फिर आपका तराइन का प्रथम युद्ध क्या है? तराइन का प्रथम युद्ध यह हुआ 1191 में। कब हुआ? 1191 ईस्वी में। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। किस किस के बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें विजय हुआ था पृथ्वीराज चौहान। फिर आता है आपका तराइन का द्वितीय युद्ध, ये कब हुआ? 1192 में। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। पहली बार गौरी हार गया था, दूसरी बार जीता था। ठीक, फिर आपका चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध हुआ 1194 ईस्वी में। कब हुआ? 1194 ईस्वी में। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। याद रखना, चंदावर का युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। अगला है हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध ये हुआ आपका 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को। किसके बीच? तो बाबर के बीच, इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें कौन जीता? बाबर की विजय हुई, इब्राहिम लोदी हार गया। ठीक है, फिर हुआ खानवा का युद्ध 1527 में हुआ। 17 मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच। इसमें बाबर विजयी हुआ। याद रखना, पानीपत का प्रथम युद्ध खानवा का, चंदेरी का और घाघरा का एक क्रम में लगाने के लिए कई बार यूपीएससी तक पहुंच लेता है। यूपीपीसीएस ने कई बार पूछा, तो इन्हें डेट एंड की याद रखना और इन्हें किन किन के बीच हुआ है उन्हें भी आपको याद रखना। जैसे कि हम लोग बात कर ही चुके, पानीपत का युद्ध हुआ प्रथम 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम के बीच। इन सभी में बाबर विजयी हुआ। फिर खानवा का युद्ध हुआ आपका 17 मार्च 1527 में, पानी के बाद खानवा का। इसमें आपका बाबर विजयी हुआ, लेकिन किस किस के बीच हुआ था? राणा सांगा के बीच। फिर चंदेरी का युद्ध, ये हुआ 1528 में। इसमें बाबर विजयी हुआ और मेदिनी राय की मध्य हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के बीच। ठीक है, फिर घाघरा। घाघरा का युद्ध
6 मई 1529 को बाबर और मोहम्मद महमूद लोदी के बीच। बाबर इसमें विजयी रहा। तो पानीपत का पहला युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ। ठीक है, कंठस्थ याद रखिए क्योंकि कई बार पूछ लेता है इनसे। ठीक है, फिर है हमारा अगला कौन सा है, दो राह का युद्ध 1532 में हुआ। इस युद्ध में हुमायूं ने महमूद लोदी को पराजित किया था। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, हुमायूं एवं शेर शाह सूरी के मध्य। इसमें शेर शाह विजयी हुआ था, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ चौसा का युद्ध 1539 में। कन्नौज में बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ, हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य। शेर शाह विजयी हुआ, हुमायूं पूर्णतः परास्त हुआ। चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध आपका हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ, और दोनों में आपका शेर शाह विजयी हुआ। फिर आपका कौन सा, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ, 1555 में। मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में हुआ, हुमायूं एवं अफगान सलार खां के मध्य हुआ। हुमायूं की विजय हुई इसमें। मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में हुआ, हुमायूं और अफगान सलार खां के मध्य हुआ था। इसमें हुमायूं आपका विजय हुआ। फिर सरहिंद का युद्ध कब हुआ, सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ, हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच हुआ था ये। हुमायूं इसमें भी विजय हुआ। फिर आता है पानीपत का द्वितीय युद्ध आपका 1556 में हुआ। पहला कब हुआ था, 1526 में। ठीक है, ये हुआ 1556 में, अकबर और हेमू के बीच हुआ था और अकबर इसमें विजयी हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, 1556 में, किसके किसके बीच, अकबर और हेमू के बीच। इसमें विजय कौन हुआ, अकबर। फिर आपका तालीकोटा का युद्ध, कौन सा, तालीकोटा का युद्ध, ये कब हुआ, 1565 में। इस युद्ध में बहमनी साम्राज्य के 4 मुस्लिम राज्यों ने सम्मिलित रूप से विजयनगर साम्राज्य को हराया था। इस युद्ध में बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध को बन्नी हट्टी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, तालीकोटा के युद्ध को। फिर आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, 1576 में, मुगल सेनापति मानसिंह और राणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें मुगलों की विजय हुई थी। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, 1576 में। फिर अहमदनगर का युद्ध 1600 ईस्वी में हुआ, अकबर की सेना और गोंडवाना की रानी चांद बीबी के मध्य हुआ था। इसमें अकबर की विजय हुई थी। ठीक है, असीडगढ़ का युद्ध 1601 में हुआ, अकबर और मियां बहादुर के मध्य हुआ था, अकबर विजयी हुआ। यह अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था, असीडगढ़ का युद्ध। धर्मत का युद्ध 1698 ईस्वी में हुआ, औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य लड़ा गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई थी। ठीक है, फिर आपका सामूगढ़ का युद्ध, ये आपका हुआ 1658 में हुआ, औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य हुआ था। इसमें भी औरंगजेब विजय हुआ था आपका। सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ, इसमें औरंगजेब विजय हुआ। ठीक है, तो ये थे आपके प्राचीन और मध्यकाल में जो आपके प्रमुख युद्ध हुए उनके बारे में। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत में हुए प्रमुख युद्धों के बारे में। आधुनिक भारत में जो आपके प्रमुख युद्ध हुए उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है।